बी ए पार्ट वन में जो इस्लामियात का पेपर होता है उसके साथ एक 60 नंबर का और भी पेपर साथ दिया होता है उन्होंने, वो होता है एथिक्स का। एथिक का जो पेपर होता है वो भी 60 नंबर का ही होता है और वो होता है बेसिकली जो हमारे नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए, वो इस्लामियात की जगह पे वो उनके लिए 60 नंबर का पेपर होता है एथिक का। ये बुक आप ले लें और इससे तैयारी करें, इंशाल्लाह आप जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ ये सारे टॉपिक इसमें आपको मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बी ए पार्ट वन में जो इस्लामियात का पेपर होता है उसके साथ एक 60 नंबर का और भी पेपर साथ दिया होता है उन्होंने, वो होता है एथिक्स का। एथिक का जो पेपर होता है वो भी 60 नंबर का ही होता है और वो होता है बेसिकली जो हमारे नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए, वो इस्लामियात की जगह पे वो उनके लिए 60 नंबर का पेपर होता है एथिक का। तो अब उस एथिक के पेपर को ज़ाहिर बात है हमने उसकी बुक भी के बारे में भी हमने थोड़ा सा जानना है कि कौन सी बुक लें, किससे तैयारी करें, और उसके साथ साथ अब हमने क्योंकि टाइम भी कम है तो कैसे ही कम टाइम में इसको हम मुकम्मल सिलेबस को कवर करेंगे तो और पेपर की तैयारी करके हम अपना पेपर देंगे। तो उसमें मुख्तसर वक्त में और मुख्तसर सी बात ही करते हैं ताकि इसका हमारा पेपर भी जो है इसके हमें ज़्यादा टेंशन ना हो कि अब इसको वक्त भी कम रह गया है और इसकी तैयारी भी करनी है, कैसे पेपर की तैयारी करेंगे। तो कुछ गैस हैं जो मैंने वर्किंग की है और जो सारा कुछ देख के पास पेपर को देख के कुछ वैसे पेपर पैटर्न को देख के सारा को वर्किंग करके मैंने कुछ गैस निकाले हैं। तो जो ये कुछ सवालात हैं तकरीबन 9 सवालात हैं ये 9 से 10, तो इनको आप कवर करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो अच्छा जो है हो जाएगा, इंशाल्लाह आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। ठीक है, तो ये कुछ मैं सबसे पहले आपके सामने वो बुक शो करता हूँ कि वो बुक कौन सी जिसे हमने तैयारी करनी है, कौन सी बुक लें अगर आपने अभी तक नहीं ली। तो अगर आपने बुक ले ली है तो फिर जो मैं सवाल आपको बताने जा रहा हूँ उसमें से ये तलाश कर लेने हैं और फिर इनकी तैयारी कर लेनी है और इनको सवालों को अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो अगर किसी ने बुक नहीं भी ली तो मैं सामने बुक शो कर देता हूँ, ये बुक आप ले लें। तो ये बुक ले लें और इसका नाम है फ़लसफ़ा अखलाकियात, ये बुक आप ले लें और इससे तैयारी करें, इंशाल्लाह आप जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ ये सारे टॉपिक इसमें आपको मिल जाएंगे। तो अब आते हैं हम उन चंद जो हमने गैस निकाले हैं कुछ सवाल हैं उनकी तरफ। तो उनमें सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो है हमारा अखलाकियात में अच्छाई बुराई आज़ादी और ज़िम्मेदारी, ये चार टॉपिक हैं। ठीक है, सवाल नंबर एक में जो पहला सवाल है हमारा उसमें अखलाकियात, क्योंकि मेन इसका जो है ना टॉपिक वो अखलाकियात है, अखलाकियात के ऊपर ही है मुकम्मल के हमारा ये सब्जेक्ट है। तो अखलाकियात के अंदर देखें इन चीज़ों को देखना है। सवाल नंबर एक मैं दोबारा दोहराता हूँ, सवाल नंबर एक अखलाकियात में अच्छाई बुराई आज़ादी और ज़िम्मेदारी के तस्वूर पर नोट लिखें। अब इस सवाल को वो मुख्तसर भी बना सकते हैं, जैसे अखलाकियात में अच्छाई और बुराई ठीक है के तस्वूर पर नोट लिखें, इसी तरह अखलाकियात में आज़ादी और ज़िम्मेदारी के तस्वूर पर नोट लिखें। कोई भी ये दो टॉपिक भी दे सकता है, तीन भी दे सकता है, चार भी दे सकता है। तो पहला सवाल हमारे इस तरह से ये होगा, और लेकिन आपने चारों टॉपिक्स को देखना है, वो जिस तरह भी दे तो ये आप हमें ये आते हों। ठीक है, तो जो दूसरा नंबर पे हमारा सवाल है वो है ईसाइत की अखलाकी तालीमात बयान करें। सवाल नंबर तीन जो है हमारा सज़ा के मुख्तलिफ नज़रियात की वजाहत करें। ठीक है, और सवाल नंबर चार हमारा है अखलाकियात की नौइयत दायराकार और मकासद पर नोट लिखें। सवाल नंबर पाँच अखलाकियात और माबाद तबीयात का बाहिमी ताल्लुक जो है उसको तफसील से बयान करें। ठीक है, और सवाल नंबर छः अखलाकियात बतौर कामिल मेयार या कमाल के तौर पर अखलाकी मेयार पर नोट लिखें। अब देखें इसको एक सवाल बना सकता है, दो भी बना सकता है। सबसे पहला जूस जो इसका पहला हिस्सा है अखलाकियात बतौर कामिल मेयार पर नोट लिखें या अखलाकियात बतौर कमाल के तौर पर, ठीक है, अखलाकी जो मेयार है उस पर नोट लिखें। तो मैं दोबारा से सवाल दोहरा रहा हूँ, देखें अखलाकियात बतौर कामिल मेयार या अखलाकियात जो है ये कमाल के तौर पर अखलाकी मेयार पर नोट लिखें। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारा जो सातवां सवाल है वो होगा बुद्ध मत की अखलाकी तालीमात पर तफसीली नोट लिखें। सवाल नंबर आठ कानून तसव्वुरात या मेयारात की तश्कील में, दोबारा कानून तसव्वुरात या मेयारात की तश्कील में अखलाकियात की अहमियत पर जामे नोट लिखें। इसको भी वो दो सवाल बना सकता है, कानून तसव्वुरात या मेयारात की तश्कील में जो है अखलाकियात की अहमियत पर जामे नोट लिखें। सवाल नंबर हमारा जो नौ है वो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की बयान करदा अखलाकी तालीमात पर मबनी कोई सी 10 अहादीस लिखें। ठीक है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अखलाकी तालीमात बयान की हैं ठीक है उन पर कोई सी 10 अहादीस लिखनी है हमने।
अब हदीस देखें वहाँ पे बुक के अंदर जस्ट तर्जमा लिखा होगा, कहीं पर तशरीह नहीं होगी, कुछ की तशरीह है कुछ की नहीं है। तो कोशिश करें जिनकी तशरीह है उनको भी याद करें, दो तीन वो आती हों, बाकी जो हैं वो हम चाहे बगैर तशरीह वाले करें, ताकि हमारा जो सवाल होगा उसकी एक लेंथ बने, एक लगे कि बाकी एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, इन सवाल आपको करें, इंशाल्लाह आपका पेपर इससे बहुत अच्छा इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा और आपका पेपर, आपके पेपर की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अब मज़ीद किसी को कोई मसला हो तो वो कमेंट में रब्ता कर सकता है, पूछ लें, इंशाल्लाह उनका जो भी मसला होगा उसको हल किया जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।